गौ माता जब उसके बालक को बछड़े को पोषण देती है, कई बार बछड़ा सिंग मारता है, लात मारता है, लेकिन फिर भी वह माता उस बछड़े को अपने से दूर नहीं करती। ये वो गाय की उस पर कृपा है, फिर भी उसको पोषण देती है, उसका पोषण करती है। तो इसी प्रकार से श्रीनाथ जी ठाकुर जी कैसे हैं कि एक बार शिवल्लभ की कहानी से जो जीव शरण में आ जाए, फिर ठाकुर प्रभु उसके दोषों के सामने नहीं देखते, फिर भी उस जीव का भगवान पोषण करते हैं। यह भगवान की पुष्टि लीला है। पोषणम तद अनुग्रहम। श्री महाप्रभु जी ने बताया जिस प्रकार से चांडालिश्चेद राजपत्नी जाता राज्ञा च मानितो कदाचित अपमाने पी मूलतः कह क्षतिर भवे, जिस प्रकार से चांडाल की कन्या जब राजा उसका वरण करता है, एक बार राजा ने एक वह चांडाल की कन्या को देखा, उसका वरण किया, अब वो राजपत्नी बन गई। अब जब वो राजपत्नी बन गई तो जाता राज्ञा च मानितो, पहले तो लोग उसको थोड़े घृणा से देखते थे, लेकिन अब जाता राज्ञा च मानितो राजपत्नी के रूप में उसको देखने लगे। कदाचित अपमाने भी, कदाचित राजा के द्वारा उसकी पत्नी राजपत्नी का अपमान हो वह सहज बात है, पर मूलतः कक्षतिर भवेत, मूल उसका स्वरूप क्या है कि वो राजपत्नी है, वो स्वरूप उसका कभी नष्ट नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हजारों जन्मों के दोषों से भरा हुआ यह जीव जब ठाकुर जी इसका वरण करते हैं, जब जीव का ब्रह्म संबंध हो जाता है, तब वह दोष युक्त नहीं रहता। सर्व दोष निवृत्ति ही पंच दोष पंच विधा स्मृता, जो श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में आज्ञा की, तो सब दोषों की उसकी निवृत्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस जीव का वरण भगवान ने किया है, फिर वह जीव निर्दोष हो जाता है। कदाचित अपमाने भी, कभी प्रभु प्रसन्न रहें, अप्रसन्न रहें या प्रसन्न रहें, ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है क्या कि वह वैष्णव बना, ब्रह्म संबंध लिया, कहा कृष्ण तवास्मी, हे कृष्ण मैं आपका दास हूं, तो वह दास वाला जो स्वरूप उसका है, दासत्व, वह स्वरूप उसका कभी नष्ट नहीं हो सकता। ठाकुर जी सदा उसका पोषण करते रहते हैं, ये भगवान की पुष्टि लीला है। जो ये पीठिका में गाय विराजमान है उसकी संगति उसके साथ है। श्रीनाथ जी की पीठिका में एक सिंह का मुख है, जिसकी संगति श्री महाप्रभु जी ने सप्तम स्कंद के साथ की। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, जो सप्तम स्कंद का सूचक है। श्रीनाथ जी की पीठिका में रहा हुआ एक सर्प, जिसकी संगति श्री महाप्रभु जी ने आठवें स्कंद के साथ की, अष्टम स्कंद का सूचक है। आठवें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है, और समुद्र मंथन करते हुए देव और दानवों ने वासुकी नाग का रस्सा बनाया, मंदराचल पर्वत को स्थित किया, तो वह जो नाग है वह अष्टम स्कंद का सूचक है। श्रीनाथ जी की पीठिका में विराजमान जो मयूर है वह नवम स्कंद का सूचक है।